नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को चौथा समन जारी किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 देखने को मिला है। जिस तरह से साधु संतों को खुलेआम पीटा जा रहा है, बंगाल में वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। शाहजहाँ जैसे गुंडे को पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन साधु संतों और ईडी अधिकारी को पीटा जा रहा है। घने कोहरे के कारण मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट की बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। फ्लाइट गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकती, जिसके बाद उसे असम की राजधानी से 400 किलोमीटर अधिक दूर ढाका की ओर मोड़ दिया गया। नींव की खुदाई के दौरान निकाली गई राम जन्मभूमि की मिट्टी को डिब्बों में पैक कर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को भेज दिया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही साथ घना कोहरा देखा जा रहा है। इसी बीच शीतलहर के कारण कई ट्रेनों के विलंब से चलने के कारण हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्साह अमेरिका में भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा वाले 40 से ज्यादा बिलबोर्ड लगा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ऑपरेशनल टास्क के दौरान एक 24 साल का जवान शहीद हो गया। शहीद जवान की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। गुरप्रीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। गुरुवार को ऑपरेशनल टास्क के दौरान वो शहीद हो गए थे। चीन में आज राष्ट्रपति चुनाव है, 2,30,00,000 लोग वोट डालेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते, कोमितांग पार्टी के हो यूई और ताइवान पीपुल्स पार्टी के को वेन जे के बीच मुकाबला होगा। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गाजा में नरसंहार का दोषी हमास है, इजराइल नहीं। इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को गलत बताया और यह युद्ध को इजराइल ने नहीं शुरू किया था, वह अपनी आत्मरक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका का आरोप द्वेषपूर्ण है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा के लिए कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य आज दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मिलेंगे। बैठक मुकुल वासनिक के आवास पर होगी। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों के वाहनों के काफिले पर गोलीबारी के बाद पूंछ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की जाँच की जा रही है। शुक्रवार शाम सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के एक काफिले पर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग कर दी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक भूचाल आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सिवारी नावा सेवा अटल सेतु का शुक्रवार को उद्घाटन करने के बाद शिंदे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार नेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रकाश आम्बेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी वीपीए के साथ गठबंधन को लेकर एनसीपी का रुख सकारात्मक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें इस साल नवंबर या दिसंबर से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी है। उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि अगले 10 से 15 वर्षों के अंदर देश के 10 शहरों में 2-2 एयरपोर्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर में साफ सफाई करने का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो नासिक के पंचवटी स्थित श्री कालाराम मंदिर का है। वीडियो में प्रधानमंत्री पानी भरी बाल्टी और पोछा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और मंदिर परिसर की अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह श्रमदान देशवासियों को मंदिरों में साफ सफाई करने का संदेश देने के लिए है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान प्रसाद के तौर पर 7,000 किलो हलवा तैयार किया जा रहा है। यह प्रसाद 1,50,000 राम भक्तों को दिया जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में हलवा बनाने की जिम्मेदारी नागपुर के विष्णु मनोहर की है। इतनी बड़ी मात्रा में हलवा तैयार करने के लिए नागपुर से एक कढ़ाई भी लाई गई है। प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म सालार की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाकेदार रही। फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे पर 90 करोड़ की कमाई के साथ सभी को हैरान कर दिया था। नील प्रशांत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है।
बिग बॉस शो में हर हफ्ते किसी न किसी कंटेस्टेंट का पता कटता है। बिग बॉस 17 में एक बार फिर से वीकेंड का वार आ गया है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए अभिषेक कुमार, समर जुरेल, विकी जैन, मनारा चोपड़ा, मुनव्वर फारूकी, आयशा खान और अरुण माशेट्टी का नाम शामिल है। टीम इंडिया T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए इंदौर पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। इसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों से इंदौर शहर को लेकर राय पूछी गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।